नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2020 के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज क्रिस गेल ने बल्ले से जमकर हल्ला बोला। गेल ने राजस्थान के खिलाफ अपनी पारी में 7वां छक्का जैसे ही जड़ा तो उन्होंने एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड बना दिया। राजस्थान के खिलाफ क्रिस गेल ने जैसे ही एक के बाद एक 7 छक्के जैसे ही पूरे किए, वो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के ठोके हों। कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उन्होंने 409 T20 मैचों में 993 छक्के जड़े थे। क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट के मैचों में मिलाकर भी जो दुनिया भर के लीग में क्रिकेट खेले हैं, क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ T20 क्रिकेट के मैचों को मिलाकर भी है जो उन्होंने दुनिया भर के लीग क्रिकेट में खेले हैं। क्रिस गेल के बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो वेस्टइंडीज के ही बल्लेबाज हैं, लेकिन वो क्रिस गेल से 100 या 200 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा छक्के दूर हैं। क्रिस गेल ने जहां 410 मैचों में 1000 छक्के जड़ दिए हैं, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किरण पोलार्ड हैं जिन्होंने 524 मैचों में 690 छक्के जड़े हैं। तीसरे पायदान पर कीवी विकेटकीपर ब्रेंडन मैकलम हैं जिनके नाम 485 छक्के हैं, लेकिन उन्होंने अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। चौथे नंबर पर कंगारू दिग्गज शेन वॉटसन हैं जो 467 छक्के जड़ चुके हैं। इस मुकाबले में क्रिस गेल ने 63 गेंदों पर 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 99 रनों की पारी खेली। क्रिस गेल आईपीएल में अपने 7वें शतक से चूक गए, लेकिन इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 157 का रहा, जिसकी बदौलत टीम को बड़ा स्कोर हासिल करने में आसानी हुई। आखिरी ओवर में क्रिस गेल शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उनको एक शानदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।